आप देख रहे हैं एसकेके न्यूज़। क्या नाम है दादा? शेर सिंह। कौन सा गांव है ये? परौक। परौक गांव में अभी तक विकास की क्या स्थिति है? बेटा जब रामनाथ गोविंद भाए तो इस गांव में जो है घूरे जो पड़ते थे आसपास गांव के, तो घूरे तो दूर फिकन लगे, बसरते के बाद बेटा कोई कार्य जो है सोचो जा तो कि बहुत अच्छो काम ये बसरते काम जो है। हमें तो उम्मीद यो दिखाते कि जब एक साल चली गई तो अब का उम्मीद पाई जाए, उम्मीद के तो सारा लोग छोड़न लगे। अच्छा, देखा ये गया है कि देश के प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, स्वच्छता मिशन को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जी, लेकिन महामहिम के गांव की अगर स्थिति देखी जाए तो इस समय आपका तो सामने नजीर दिखा रही कि गलियन में देख लो कूड़ा करकट लगे, सफाई कर्मी आते हैं, अब एक तो आवत न आवत आवत जब बेटा पुतवा करके साफ करावत है तब तक कर दे, बसरते कूड़ा जो है जही तहीं पड़ा रहा, ना कोई उनको उठाने कोई अधिकारी, जिले का अधिकारी यहाँ पर आता है? कोई ना, यानी गली में तो एक ना राष्ट्र आए थे डीएम साहब, बस घूम के इसे चले गए, तो उस दिन तो मैं यू दिखानो कि साफ ही रहो, एक ही बात फिर कोई सहारा नहीं दिखाना। लाइट की क्या स्थिति है? बिजली आती है बेटा? रोटी के समय तो इज्जत आ जाता, जब समय आ जाए, जब रोटी का समय हो तो बिल्कुल नहीं आ पाते, इसे 4 घंटा 5 घंटा और रुक रुक का इसे दई दे, कमो 5 मिनट कमो 10 मिनट का। क्या माना जाए कि गांव के घूरों की तरह विकास भी दूर फेंक दिया? हाँ, इस तरीके से तो लोगों ने तो उम्मीद तो बिल्कुल छोड़ दी कि जैसे अंधेरे में है वैसे अंधेरे में। क्या कभी कोई फोन या पत्र राष्ट्रपति जी को किया आप लोगों ने? अभी मैंने नहीं किया, उनको मतलब घटना से अवगत नहीं कराया अभी नहीं, मतलब यो कि अब मान लो इतनी छोटे आदमी मतलब वो न पहुँच है न कोई बात है कि कैसे कहाँ जा, तो वो आदमी कैसे बता पावे कि मैं ये मुसीबत। हमारा सर क्या नाम है आपका और इस स्कूल में किस पोस्ट पे हैं आप? हम सर, हमारा नाम भगवान सिंह, हम प्रधानाध्यापक हैं। इस स्कूल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डिजिटल क्लास के नाम से एक योजना आई है और चल भी रही जी, लेकिन आज जब हम गए तो वहाँ पर ना ही वहाँ पर हमको प्रोजेक्टर दिखा और ना ही उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ दिखी जो कि क्लासेस चल रही हैं। क्या है पूरा और सर, क्या आखिर ऐसी वजह है? सर केवल जून की वजह से बैटरी जो उसकी डिस्टर्ब हो गई, वो हम परसों जो है उसको लेके भरना है, तो डेरापुर ले गए। अब वो जो भर के, चूँकि यहाँ बिजली की व्यवस्था है नहीं और इससे में जो है जब प्रकाश नहीं होता है तो वो जो है सौर ऊर्जा वाली वो भर नहीं पाती है, तब तो वो क्लास चल नहीं पाती है। गुरु जी, कितने दिनों पहले इसका संचालन शुरू हुआ स्कूल का? ये स्कूल सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। ये स्मार्ट क्लास नहीं, नहीं पूरे विद्यालय का संचालन किस तारीख से शुरू हुआ? इस सेशन का 2 तारीख जी। तो क्या उस क्लासेस को चालू कराना आप लोगों ने उचित नहीं सर उचित समझा? धूप थी तो हमने उसको चलाया, तो उसमें 2-4-10 मिनट वो चले बैटरी, फिर वो बैटरी चले नहीं तो हम उनसे संपर्क किया जो यहाँ पर वो चिप दे जाते हैं, मतलब जो पढ़ाने के लिए सिलेबस देते हैं हर महीने में चेक करने आते हैं, कहाँ क्या नाम है, यूनिसेफ के जो आते हैं, जो IIT से आते हैं, उन्होंने मतलब जो है उन्होंने कहा कि इसकी बैटरी आप जो इससे अब नहीं चलेगी, वो क्योंकि एक महीने वो जून में रखी रही तो वो जो है। अच्छा गुरु जी, कुछ विशेष तरीके का बैग भी यहाँ भी? हाँ जी जी है, वो बच्चों के पास जो पुराने बच्चे हैं अभी साल नहीं जो नए बैग आए थे 106 जी। एनरोलमेंट कितने हैं आपके स्टूडेंट यहाँ? मतलब छाट के अब निकल गए यहाँ से, अभी तक कितने एनरोल्ड हैं? अब 94 बच्चे जूनियर क्लास है, 94 निकले। कितने बच्चे यहाँ से निकले? 39 बच्चे निकल गए, 39 और कक्षा उसमें 6 में 25 बच्चे, उनका 26 का एडमिशन हो गया और बाकी बच्चे पुराने बच्चे थे उन्हीं के पास वो बैग है जो विशेष बैग था। हाँ जी, क्या है वो? उसी जो बैग में जो टेबल लगा हुआ जो है बैग में वही फिट है टेबल, बच्चों के बैठने का स्थान विस्तान तो और कुछ नहीं, केवल चटाई क्या है, बस चटाई हुआ है और टेबल कोई व्यवस्था नहीं बेच कुर्सी। खाने को लेकर अगर बात की जाए दूध जी और फल जी, कितना यहाँ पे मिलता है? दूध फल हर सोमवार को फल मिलता है और बुधवार को केवल दूध। आपके ही क्लास के बच्चे ने एक ने बताया कि 3 महीनों से हाँ, ना फल मिल रहे हैं ना दूध मिल रहे हैं। वो सर बच्चा और बच्चों से पूछ रहे, वो बच्चे नहीं आता, उसने कहा नहीं हर जो है भाई दो हम अभी शुरू हुआ, मतलब जो 3 महीने की बात है वो गलत करा, मतलब जो है कितने लोगों का स्टाफ है यहाँ? ये यहाँ 3 अध्यापक हैं और 2 अनुदेशक। अनुदेशक का मतलब किसी मतलब हाँ सब्जेक्ट के लिए जी,